आज की प्रार्थना सभा में मैं आप सबों का प्रभु यीशु मसीह के मीठे और प्यारे नाम में स्वागत करता हूँ। और मैं परमेश्वर पिता का दिल से धन्यवाद करता हूँ कि उसने उसके पवित्र कलीसिया के सामने उसका वचन बांटने का मुझे मौका दिया है। जैसे कि आपने सुना कि आज का जो चुना हुआ शास्त्र वचन है लुका इसका 15:11-32 है। इस अध्याय के अंदर प्रभु यीशु ने जो है उड़ाओ पुत्र के बारे में एक दृष्टांत दिया है। और ये जो दृष्टांत है अपने आप में एक विशेष दृष्टांत है। विशेष इसलिए कि यह दृष्टांत जो है प्रभु यीशु मसीह ने खुद जो है फरीसियों और शास्त्रियों को स्वर्गीय पिता के प्रेम के बारे में और स्वर्ग की जो बातें उसे समझाने में प्रभु यीशु मसीह जो है हमेशा स्वर्ग की जो बातें हैं दृष्टांत के स्वरूप के अंदर जो है लोगों को समझ में आने के लिए दृष्टांत का उपयोग करके उनको समझाते थे। तो ये दृष्टांत जो है हिंदी में हम दृष्टांत कहेंगे और इंग्लिश में इसको पैराबल कहते हैं और मराठी के अंदर जो है बोध कथा कहते हैं। तो ये दृष्टांत क्या होता है? दृष्टांत एक शॉर्ट स्टोरी होती है और ये स्टोरी के द्वारा जो है ये शॉर्ट जो कहानी होती है उसके द्वारा हमें कुछ नैतिक बातें हमें सीखने को मिलती है जो कि हमारे आध्यात्मिक और आधुनिक जीवन के लिए लाभकारी होती है। और आज जिस विश्राम को हम मनन करने जा रहे हैं ये विशेष इसलिए है कि इस विश्राम के अंदर जो है प्रभु यीशु मसीह ने मन फिराने के बारे में पश्चाताप करने के बारे में और स्वर्ग के राज्य पर इसका क्या इफेक्ट गिरता है इसके बारे में और हमारे स्वर्गीय पिता का जो हमारे प्रति असीम अनोखा जो अगाते प्रेम है और परमेश्वर से जब हम दूरी बनाते तो हमारे जीवन पे क्या इफेक्ट गिरता है इस दृष्टांत के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह हमें बताना चाहते हैं। यह जो दृष्टांत है हम सबों को पता है यह दृष्टांत के अंदर जो है तीन प्रकार के कैरेक्टर दिए हुए हैं। एक जो है पिता, दूसरा जो उड़ाऊ पुत्र और तीसरा जो है बड़ा बेटा। ये जो पिता है, पिता हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का एक प्रतीक है जो कि परमेश्वर को रिप्रेजेंट करता है। और जो उड़ाऊ पुत्र जो है चुंगी लेने वाले और जो पापी लोग हैं और जो सामान्य लोग हैं इसको जो है रिप्रेजेंट करता है। और जो बड़ा पुत्र है वो जो फरीसी और शास्त्री लोग जो है इसे यीशु मसीह ने ढोंगी पाखंडी और कपटी कहा है। चलिए आए हम इस वक्त दृष्टांत की ओर जाते हैं, छोटी सी दुआ करते हैं। पवित्र पवित्र है हमारे सर्वशक्तिमान स्वर्गीय पिता, धन्यवाद करते हैं प्यारे पिता सुंदर सी सेवा सहभागिता के लिए। पिता इस दृष्टांत को आपने हमें दिया है उसको समझने के लिए हमें ज्ञान बुद्धि दीजिए और इस दृष्टांत की गहनता को समझने के लिए हमें सहायता मदद कीजिए। यीशु के नाम से मांगते सुनो। आज के मैसेज का टॉपिक है उड़ाऊ पुत्र और प्रेमी पिता। जब हम इस दृष्टांत को जब पढ़ते हैं दृष्टांत में इस तरह से लिखा है फिर उसने कहा किसी मनुष्य के दो पुत्र थे, उनमें से छुटके ने पिता से कहा कि हे पिता संपत्ति में से जो भाग मेरा हो वह मुझको दीजिए। प्रियो यहाँ जो संपत्ति में जो भाग मेरा हो वह मुझे दीजिए इसका जो मतलब है कि ये पिता के दो पुत्र थे और उसमें से छोटा पुत्र जो है अपनी इच्छा के अनुसार जो है वो अपना जीवन बिताना चाहता था जैसा वो चाहे
उसके स्वतंत्र रूप से जो है जीवन बिताना चाहता है और वो पिता के अधीन रहना नहीं चाहता, पिता के जो नियम कानून है उसके हिसाब से वो नहीं रहना चाहता है। उसके लिए जो है ये छोटा बेटा जो पिता से अपनी संपत्ति मांगता है। और उस समय अगर देखा जाए तो कोई भी अपने बच्चे जो है अपने पिता को पिता के जब जीवित रहते हुए जो है कोई संपत्ति मांगता नहीं था, क्योंकि पिता के मरने के बाद भी जो है ये संपत्ति का बंटवारा हुआ करता था। फिर भी जो है जो पिता है, पिता ने जो है उसके छोटे बेटे का जो फ्री विल जो है उसका फ्रीडम, इसमें किसी प्रकार का इंटरफेरेंस न करते हुए जो है ये संपत्ति का जो भाग जो होता है उसका जो भाग है उसे दे देता है। और उसमें इस तरह से आगे लिखा है कि उसने उनको अपनी संपत्ति बांट, उनको मतलब उनसे जो बोध होता है ये दोनों पुत्रों को जो है तो प्रॉपर्टी जो उसकी है उनकी बांटी गई है। और उस समय के नियम कानून के हिसाब से जो है छोटे पुत्र को जो है 1/3 जो हिस्सा उसको मिलता था, और छोटे पुत्र को 1/3 हिस्सा दे दिया, और जो बड़ा पुत्र था 2/3 हिस्सा जो 66%, और छोटे पुत्र को 33% जो उसका हिस्सा पिता ने दे दिया है। और जो संपत्ति लेने के बाद जो है ये छोटा पुत्र जो है थोड़े दिनों के बाद आगे इस तरह से लिखा है कि और बहुत दिन में बीते थे कि छोटा पुत्र सब कुछ इकट्ठा करके एक दूर देश चला गया। यहाँ पर जो एक दूर देश चला गया इसका मतलब अगर हम देखें तो छोटा बेटा जो है शारीरिक और आत्मिक रीति से जो है अपने पिता से दूर चला गया है। और जो है छोटा जो पुत्र है दूर देश चले जाना मतलब अपने पिता से जो है उसने अपनी दूरियां बना ली, उसके सानिध्य में अभी न रहा, ऐसा इसका मतलब होता है। और वहां कुकर्म में अपनी संपत्ति उड़ा दी। और जो संपत्ति पाने के बाद जो है छोटा पुत्र पूरी उसका जो भाग उसे मिलता है, मिलने के बाद सारी संपत्ति लेके वो दूर देश जाता है। और सारी संपत्ति जो है कुकर्म, कुकर्म मतलब गलत कामों के अंदर जो है बुरे काम, तो आयशी में जो है उस प्रॉपर्टी पूरी उड़ा देता है। यहाँ हम देखते हैं कि कुकर्म में संपत्ति उड़ाना इसमें अगर फोकस करते हैं तो जब संपत्ति जो है संपत्ति ये परमेश्वर का जो आशीष में मिलता है वो उसका एक प्रतीक है। उसका जो भाग जो है छोटे पुत्र को मिला था, और छोटे पुत्र ने जो है संपत्ति जो परमेश्वर के उसके पिता की ओर से जो पाई थी वो संपत्ति जो है लेकर वो पिता से दूर चले गया, पिता से दूरिया बने। तो दूरिया जब हम परमेश्वर से बनाते जब परमेश्वर जो है हमको आशीष देता है संपत्ति के रूप में, प्रॉपर्टी के रूप में, पैसे के रूप में, तो हम क्या करते हैं कि सारी हमारा ध्यान पूरा उस प्रॉपर्टी के अंदर परमेश्वर से मांगते हैं। लेकिन जब मिलता है तो पूरा हमारा ध्यान क्या होता है, पूरा उस प्रॉपर्टी के अंदर हमारा ध्यान मगन हो जाता है। और हम क्या करते हैं परमेश्वर को भूल जाते हैं। भूलने के बाद जो है जब परमेश्वर से संपत्ति मिलती है और परमेश्वर से अगर दूरियां बनाते हैं तो संपत्ति के ऊपर जो है इस प्रकार का आशीष जो है संपत्ति पे नहीं बसता है और वो संपत्ति जल्द ही नष्ट हो जाती है व्यर्थ कामों में, कुकर्म के अंदर। जब वो सब कुछ कर चुका तो उस देश में बड़ा अकाल पड़ा और वह कंगाल हो गया। और यहाँ जो कंगाल होना है जब परमेश्वर के जब आशीष हमारे साथ नहीं होते हैं तो हमारे जीवन के अंदर जो है कंगालपन आता है, ये बात यहाँ दर्शाती है। और वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा, उसने उसे अपने खेतों में सुअर चराने के लिए भेजा। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सुअर खाते थे अपना पेट भरे। जब अकाल पड़ता है, अकाल पड़ने के बाद जो है ये छोटा पुत्र जो है छोटा पुत्र अपनी संपत्ति पूरी जो है कुकर में उड़ा देता है और कंगाल हो जाता है। इसलिए कंगाल हो जाता है क्योंकि परमेश्वर का जो आशीष जो है उसके साथ में नहीं रहता है।
और परमेश्वर का जब आशीष किसी के साथ में नहीं रहता है तो उसके ऊपर जो है एक के बाद एक जो है उसके ऊपर संकट आना शुरू हो जाते हैं। तो संपत्ति जब उसके पास थी, ऐसा भी हो सकता है कि जब संपत्ति थी उसके पास तो बहुत सारे उसके पास मित्र थे, मित्रों के साथ में उसने पूरा पैसा उड़ाया आयाशी के अंदर, लेकिन इस संकट समय के अंदर शायद ऐसा हो सकता है कि उसने अपने मित्रों को जो है सहायता की मदद मांगी, और लेकिन ये संकट के समय कोई आया नहीं तो उसको काम की आवश्यकता थी। तो उसी गांव के अंदर जो है एक व्यक्ति ने उसे काम दिया, वो काम था कि सुअर को चराना। यहाँ जो सुअर को चराना है, सुअर एक ऐसा प्राणी है कि यहूदी लोग जो है उस समय सुअरों को पालना और चराना ये सबसे घिनौना काम और तुच्छ काम मानते थे, और सुअर जो है अशुद्ध और अपवित्र प्राणी में मानते थे। और इस उड़ाऊ पुत्र को जो है पिता से दूर जाने के बाद जो है उसके आशीष पूरे चले जाने के बाद जो इसे काम मिलता है ये घिनौना काम उसे मिलता है सुअर चराने का। और सुअर एक ऐसा प्राणी ऐसे गंदा प्राणी है कि उसका स्वभाव यह है कि वो गंदगी पसंद करता है, गंदगी करता है, गंदगी में रहता है और गंदगी खाना पसंद करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि सुअर की जिस उड़ाऊ पुत्र जो था उड़ाऊ पुत्र की तुलना जो है सुअर के साथ में यहाँ पर की गई है। इसके आगे हम देखते हैं कि सुअर के साथ में तो उसे रहना पड़ता है और उसी के साथ जो है और सबसे घिनौना जो है काम जो है उसके लिए जो सुअर जो फलियां खाकर जो अनाज खाकर जो उसका पेट भरते थे वही फलियों को उसे खाना पड़ता था। इसके आगे हम देखते हैं कि और वो चाहता था कि फलियों खाकर सुअर खाते थे अपना पेट भरे, और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जब वह अपने आपे में आना मतलब यहाँ पर है कि अपने होश में आना, अपनी मदहोशी से जो है बाहर निकलना। सिंपल कॉमन लैंग्वेज में अगर कहेंगे तो उसका दिमाग ठिकाने पे आना, उसका आत्मबोध होना, सेल्फ रियलाइजेशन होना, और उसका वो इस समय जो अपना आत्म परीक्षण करना शुरू करना। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि जब वो सुअर के साथ में रहता है तो उसे भरपेट भोजन भी मिलता नहीं है, और सुअर जो खाते हैं उसी फलियों को खा के जो है उसको पेट भरना पड़ता है। तो इसकी वजह से जो भूख है, भूख के वजह से ये उड़ाऊ पुत्र है अपने होश में आता है, और होश में आने के बाद जो है उसे अपने पिता की याद आती है। पिता की याद जब आती है तब वो कहने लगता है कि हे मेरे पिता है, कि मेरे पिता के इतने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊँगा और उससे कहूँगा कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। हम ऊपर देखते हैं कि जब उड़ाऊ पुत्र जो अपने होश में आता है, होश में आने के बाद जो वो अपने आप से कहने लगता है, उसको उसे जो है सेल्फ रियलाइजेशन होता है, वो जो है आत्म परीक्षण करने लगता है, उसको अपने पिता के घर की याद आती है और वो सोचने लगता है और एक डिसीजन लेता है कि वो अपने पिता के घर लौटेगा। ये जो डिसीजन है पियो ये बहुत ही महत्वपूर्ण उसके जीवन में डिसीजन है, क्योंकि जब हम भी अगर किसी गलत रास्ते पे चले जाते हैं तो बहुत दूर न जाते हुए समय रहते हुए जो है हमें भी इस प्रकार का डिसीजन लेना है कि हम भी समय रहते हुए जो है अपने पिता की ओर लौटाएं। उसी तरह का डिसीजन जो है इस उड़ाऊ पुत्र ने लिया
और उसने डिसाइड किया कि वह जो है अपने पिता के घर लौट जाएगा। तब वह उठकर अब इस योगी ने रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, मुझे अपने एक मजदूर के नाई रख ले। और यहाँ वो सोचता है एक मजदूर के नाई रखना मतलब उसे बहुत अच्छी तरह पता होता है कि उसका जो भाग है शेयर है उसको मिल चुका है और उसका पुत्र होने का अधिकार जो है उसने खो दिया है। और वो मन ही मन में चाहता है, उसे एक आशा होती है कि अपना जो पिता है मेरा उसका तो कुछ पुत्र होने का अधिकार तो चले गया, कम से कम वो जो है पिता उसको एक मजदूर के नाई तो रख लेगा, ये विश्वास उसको होता है। तो उसी विश्वास के साथ जो है वो अपने पिता के घर जाने की तैयारी में रहता है। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला इसका मतलब जो है कि उसने अपना मन फिराया, अपने अपराधों को जो है रियलाइज किया और डिसीजन लिया कि मैं अपने पिता की ओर लौट आऊंगा। यहाँ पर हम रेफरेंस देखते हैं लुका इसका 13:3 कोई पढ़ेगा। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया। वो डिसीजन लेता है और मन फिराकर जो है अपने पिता की ओर यहाँ लौट आता है, यहाँ देखने को मिलता है। उसके बाद जैसे ही वह अपने पिता के घर के पास पहुँचता है तो पिता उसे दूर से ही देखकर उस पर तरस खाता है। दूर से ही देखकर इस बात को अगर हम थोड़ा गौर से जाने तो यहाँ पर हमें यह समझता है कि पिता जो है अपने पुत्र के राह देखने में हमेशा कोई रहता है, मेरा पुत्र कब लौट आएगा। और पिता ने जो है उसे दूर से ही देखकर तरस खाया इसका मतलब जो है बुढ़ाओ पुत्र जो है जिस देश में आकर पड़ा था, जिस देश के अंदर उसे खाने पीने की दिक्कत थी और वो परेशान था कि वह अपना पेट कैसे भरूं, तो उसके पास किसी प्रकार का पैसा भी नहीं था। तो वो उस देश से जो है वो पैदल आया होगा, उसके पास उसके पैरों में जूते नहीं होंगे, उसके कपड़े पूरे फटे हाल होंगे, उसके कपड़े गंदे हो गए होंगे, उसके बाल बड़े होंगे होंगे, उसके वीकनेस कमजोरी आई होंगी और भूखा प्यासा तड़पता हुआ बदतर हालात में जो है जैसे तैसे गिरते पड़ते हुए जो वो आ रहा होगा। तो इसीलिए जो है पिता ने दूर से ही उसे जो देखकर अपने पुत्र को पहचान लिया और उसने तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया। पिता दौड़कर जाता है उसे अपने गले लगा लेता है, गले लगाना मतलब उसको एक्सेप्ट कर लेता है और बहुत चूमा। चूमना जो है चूमना एक प्रेम अपना पिता का जो है अपने पुत्र के प्रति जो है प्रेम प्रकट करने का एक प्रतीक है। यहाँ जो पिता जब पुत्र से मिलता है तो वो अपने पुत्र को बहुत चूमता है, मतलब यहाँ पर वो अपने पुत्र के प्रति जो है अपना प्रेम प्रकट करता है। पुत्र ने उसे कहा, पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है। यहाँ पर हम देखते हैं कि बुढ़ा पुत्र जो है अपने पिता से जो क्या कह रहा है कि पिताजी मैंने स्वर्ग के विरोध में और तेरे दृष्टि में पाप किया है और अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहना। इस बात से हमें पता चलता है कि यहाँ बुढ़ा पुत्र जो है अपने पिता से जब मिलता है तो दीन लीन होकर जो है पिता के पास जाकर वहाँ पर पश्चाताप करता है और जो स्वर्ग के प्रति जो उसने पाप किए हैं स्वर्ग के विरोध में ये उसको मान लेता है,
यहाँ पर मान लेना, मतलब यहाँ पर जो रिपीट करता है पश्चाताप करता है, यहाँ पर रेफरेंस के तौर पर देखेंगे नीति वचन इसका 28वां अध्याय 13वां वचन। यहाँ पर जो है कुड़ौ पुत्र ने अपने अपराधों को छिपाया नहीं, अपने अपराधों को मान लिया और उसे छोड़कर जो है छोड़ने के बाद जो है पिता उसके पिता ने उस पर दया की है, इसके आगे हम देखते हैं। परंतु पिता ने अपने दासों से कहा, झट अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहना। यहाँ पर जो अच्छे वस्त्र का वस्त्र जो उल्लेख किया है, ये जो अच्छे वस्त्र जो है धार्मिकता के वस्त्र का यहाँ प्रतीक है। जब हम पिता के और हमारा मन फिराते हैं, मन फिराने के बाद पश्चाताप जब करते हैं तो पिता हमें जो है धार्मिकता के वस्त्र में पहनाता है। रेफरेंस के तौर पर देखेंगे लूका इसका 14वां अध्याय, लूका 14वां अध्याय 15वां वचन में पढ़िए मत। इसमें जो है विवाह भोज का दृष्टांत दिया गया है और इसके अंदर जो विवाह के वस्त्र का जो उल्लेख इसमें भी किया गया है। इसके बाद विवाह के वस्त्र मतलब जो धार्मिकता के वस्त्र के प्रतीक यहाँ हम देखते हैं, अच्छे वस्त्र निकालकर उसे पहना और हाथ में अंगूठी और पाँव में जूतियाँ पहना। यहाँ पर जो अंगूठी पहनाए उसे पहनाई गई बुढ़ा पुत्र को, अंगूठी जो है एक अधिकार का प्रतीक है, क्योंकि बुढ़ाऊ पुत्र को एलईडी जो है उसका शेर जो मिल चुका था और उसका अपने पिता के घर पर और पिता की प्रॉपर्टी पर किसी प्रकार का अधिकार बचा नहीं था। फिर इसीलिए जो है पिता ने यहाँ पर क्या किया, उसको अंगूठी पहना कर जो है उसका जो अधिकार खो गया था उसका अधिकार को जो है पिता ने उसको वापस किया है। हम रेफरेंस में एस्तेर इसका 8वां अध्याय 2वां वचन देखते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं कि अंगूठी जो है एक अधिकार का प्रतीक है। इसके आगे हम देखते हैं कि अंगूठी के साथ जो है पिता ने अपने दासों के आगे देखी उसको जूतियाँ भी पहनाई जाए। जूते जो है जूते पहनाना एक मालिक का दर्जा देना यहाँ पर दर्शाता है, क्योंकि उस समय जो है दास लोग अपने पैरों में जूते पहना नहीं करते थे, सिर्फ जो मालिक लोग थे वो जूते पहनते थे। तो उसके पैर इसका जो मालिकाना हक जो बूढ़ा पुत्र का था, जूतियाँ पहनाने के बाद जो है इसका जो मालिकाना हक जो है अपने पिता ने उसको वापस किया है। और इसके साथ जो है पला हुआ बछड़ा लाकर मारो ताकि हम खाए और आनंद मनाए। पला हुआ बछड़ा मारना, खाना और आनंद मनाना। लुका इसका 15वां अध्याय 10वां वचन देखेंगे। यहाँ पर जो है पिता अपने पुत्र के लौटने पर जो है सेलिब्रेशन कर रहा है, से आनंद मना रहा है पला हुआ बछड़ा और जो काट कर जो है। लुका इसका 15:10 इस तरह से जो स्वर्ग दूत जो स्वर्ग के अंदर एक मंत्र आने वाले जब लौट आता है इस तरह से आनंद मनाते हैं। पिता के घर पे भी जो है इस तरह इस प्रकार का जो आनंद यहाँ पर मनाया जा रहा था, क्योंकि मेरा वह पुत्र मर गया था फिर जी उठा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि मर जाना और फिर जी उठना। मर जाना मतलब जब हम पश्चाताप करते हैं, जब हम मन फिराते हैं तो हमारा जो पुराना जीवन जो होता है
वो चला जाता है और हमें एक नया जीवन प्राप्त होता है। कुरिन्थियों का 5:17 में इस तरह से लिखा है, यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और वे सब नई हो गई हैं। इस तरह से हम जब मन फिराते हैं तो हमको हमें जो है एक नया जीवन प्राप्त होता है। इसके बाद ये जो उड़ाऊ पुत्र के बारे में हम अभी जो देखा, इसके बाद जो आगे का जो भाग है, ये मैं समझता हूँ कि हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है, क्योंकि इस दृष्टांत के अंदर जो है अभी जो बड़ा पुत्र है, ये बड़े पुत्र की एंट्री होती है। जब छोटा पुत्र जो उड़ाऊ पुत्र जब लौट आता है तो उसके आनंद में जो है सेलिब्रेशन किया जाता है, तब खेत में से जो बड़ा पुत्र है, बड़ा पुत्र जब वापस आता है तो उसे गाने बजाने की आवाज़ सुनने में आती है और वो दासों से पूछता है कि किस प्रकार का आवाज़ आया है। तो दास कहते हैं कि आपका जो छोटा भाई था वो वापस आ चुका है और उसके आनंद में जो है ये सेलिब्रेशन किया जा रहा है। ये जब बड़ा पुत्र जो इस बात को सुनता है कि अपना भाई जो है जो ऑलरेडी शेर ले चुका है, शेर लेके बाद में जो अपना संपत्ति जो है आयशी के साथ जो है कुकर में उड़ा के फिर से वापस आ गया है, और फिर आने के बाद जो है पिता जो है उसके आनंद में सेलिब्रेशन क्यों मना रहा है, इस बात पर उसे बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद जो है गुस्सा आने के बाद जो है वो बड़ा पुत्र जो है भीतर नहीं, जो पिता का घर होता है पिता के घर में नहीं, अंदर एंट्री नहीं करता है, वही दरवाजे पे खड़ा रहता है। तो पिता का जो घर है ये जो है स्वर्ग का प्रतीक है, वह वही बाहर खड़ा रहता है। तो ये पिता देखता है कि बड़ा पुत्र बाहर खड़ा है, बाहर खड़ा रहने के बाद पिता जो है खुद बाहर आता है और वो बड़े पुत्र को मनाने लगता है, उसे समझाने लगता है। तब समझाने के तौर पे वो बड़ा पुत्र जो है पिता की बातें तो समझता नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखते हैं कि यीशु मसीह ने ये दृष्टांत जो है जिन फरीसियों और शास्त्रियों को जो है स्वर्गीय पिता के बारे में है, उसके असीम प्रेम जो है उसके आदा प्रेम के बारे में समझाने के लिए जो दृष्टांत दिया है, उन फरीसी और शास्त्री जो है उसका जो एटीट्यूड जो है फरीसी और शास्त्री जो एटीट्यूड जो फरीसी शास्त्री यीशु मसीह के साथ में बिहेव करते थे, वाद विवाद करते थे, दोष लगाते थे, उसी प्रकार का जो एटीट्यूड है इस बड़े पुत्र के अंदर यहाँ हमें देखने को मिलता है। तो वो क्या कहता है, मैं इतने वर्षों से तेरी सेवा कर रहा हूँ और कभी भी तेरी आज्ञा नहीं टाली, तो भी तूने मुझे कभी एक बकरी का बच्चा भी न दिया कि मैं अपने मित्रों के साथ आनंद करता। यहाँ पर हम देखते हैं कि बड़ा पुत्र जो है यहाँ पर खुद की बड़ाई कर रहा है, क्या कह रहा है कि पिता को कह रहा है कि मैंने इतने दिन तेरी सेवा की, एक आज्ञा जो भी आज्ञा का भंग नहीं किया, सारी आज्ञाओं को मानता हूँ, आपके साथ में रहता हूँ, आपके सानिध्य में रहता हूँ, जैसे हम परमेश्वर के सानिध्य में रहते हैं। उस तरह से बड़ा पुत्र भी बोलता है कि मैं आपके साथ में रहता हूँ, सेवा करता हूँ, आज्ञाधारी हूँ, ईमानदार हूँ, ये खुद की पढ़ाई करता है। अब उसके आगे जो पढ़ते हैं, परंतु जब तेरा वह पुत्र इसने तेरी संपत्ति वेश्याओं ने उड़ा दी और आया, तो उसके लिए तूने पला हुआ बछड़ा कटवाया। यहाँ पर जो है पहले की लाइन में जो है वहाँ खुद की पढ़ाई करता है, और ये इसके बाद जो है अपना जो छोटा पुत्र जो लौट जो खोया हुआ पुत्र जो है बिगड़ा हुआ पुत्र जो मन फिरा के वापस अपने पिता के पास आता है, तो वो उस पर दोष लगाना यहाँ शुरू करता है।
तो पिता उसे समझाता है, आगे समझाता है कि पुत्र तू सर्वदा मेरे साथ है। ये सही बात है, क्योंकि बड़ा पुत्र जो है, छोटा पुत्र जाने के बाद बड़ा पुत्र जो हमेशा अपने पिता के साथ रहा, उसके सानिध्य में रहा, उसके जो अधीन रहता था, वो हर एक बात उससे मान, पिता की जो है हर आज्ञा का पालन करता है और उसकी बातों को मानता है, और जो कुछ मेरा है वह सब तेरा है। पिता समझाता है कि जो जो भी कुछ मेरा है, जो प्रॉपर्टी है, सब तेरा ही तो है, तू क्यों गुस्सा करता है? तेरा छोटा भाई जो है, जो भटक गया था, गलत रास्ते पे चले गया था, वो लौट कर वापस आया है, पश्चाताप करके मन फिरा के जो लौट आया है, तो तुझे आनंद करना चाहिए। लेकिन जो है समझता नहीं, परंतु अब आनंद करता और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई मर गया था, फिर से जी गया है, और खो गया था और मिल गया है। यह जो दृष्टांत हम पढ़ते हैं, इसका जो एंड अगर हम देखेंगे, इसकी समाप्ति जो है, पिता यहाँ पर जो बड़े पुत्र को अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करता है, लेकिन ये दृष्टांत जो खत्म होता है, वहाँ हमें ये बोध नहीं होता कि बड़ा पुत्र अपने पिता, बड़ा पुत्र जो अपने पिता के बातों को माना या नहीं माना। इस तरह से जो फरीसी और शास्त्री लोग जो है, प्रभु यीशु मसीह ने जो है फरीसी और शास्त्री जो है इनको कपटी, पाखंडी, ढोंगी और अंधे, इस प्रकार से उनका उल्लेख किया है। और ये सारे जो गुण है, एटीट्यूड जो है, ये यहाँ पर बड़े पुत्र के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। ये दृष्टांत के द्वारा प्रभु यीशु मसीह हमें ये सिखाना चाहते हैं कि हमें बूढ़ा पुत्र के नाई बनना है, ना कि जो बड़ा पुत्र है। बूढ़ा पुत्र जो एक चुंगी लेने वाले और पापी लोगों का जो प्रतीक है, इसने अपने गलतियों को माना, अपने पापों का अंगीकार किया, पश्चाताप किया और पिता की ओर से धन के वस्त्र प्राप्त किए, अंगूठी के प्रति जो है उसका अधिकार प्राप्त किया, नाली का महत्व प्राप्त किया, उस प्रकार के बनने के लिए इस दृष्टांत के द्वारा जो है प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं। और प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहते कि हम बड़े पुत्र के नाई, जो कि फरीसी और शास्त्री, जो जिसे प्रभु यीशु मसीह ने ढोंगी और पाखंडी का है, उस तरह से हमें नहीं बनना है। इस दृष्टांत के द्वारा हमें यहाँ पर सीखने को मिलता है। ये जो बड़े पुत्र का एटीट्यूड जो है, जो कि फरीसियों को और शास्त्रियों को यहाँ पर रिप्रेजेंट करता है, उसके संबंध में हम कुछ यहाँ पर रेफरेंस देखेंगे। पहला यूहन्ना का 4:20। यदि कोई कहे, हे परमेश्वर, मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूँ और अपने भाई से बैर रखे, तो वह झूठा है, क्योंकि जो अपने भाई से, जिसे उसने देखा है, प्रेम नहीं रखता, तो वह परमेश्वर से भी, जिसे उसने नहीं देखा, प्रेम नहीं रख सकता। इस वचन के द्वारा समझ पाते हैं कि जिस तरह से बड़ा पुत्र छोटे भाई के प्रति जो है प्रेम नहीं रखता, वचन कहता है कि अगर तुम अपने भाई से प्रेम नहीं रखते तो मेरे से मुझसे भी प्रेम रखते नहीं है, इस तरह से वचन कहता है। इसके आगे का रेफरेंस देखते हैं, 23:23। यहाँ पर जो है शास्त्री और फरीसियों के बारे में जो है यीशु मसीह ने, शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम पोदीने और सौ और जीरे का दसवां अंश तो देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों को, अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी न छोड़ते। शास्त्रियों और फरीसियों की तरह भी जो बड़ा पुत्र है,
बड़ा पुत्र भी जो है अपने सारे पिता की आज्ञाओं को मानता था। शास्त्री जी सर सिर्फ 100 जिले का 10वां हिस्सा देते थे, व्यवस्था के जो नियम काम नियम थे उनको अच्छी तरह से पालन करते थे। उस तरह से जो है बड़ा पुत्र भी अपने पिता के आज्ञा में यहाँ पर रहता था। इसके आगे का हम लेखन देखते हैं, मुक्ति 23-25। शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर है, तुम कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से तो मांजते हो, परंतु वे भीतर अंदर और असंयम से भरे हुए हैं। क्या प्रवचन बताता है, जो कटोरे जो और थाली जो होते हैं, शास्त्रियों से यहाँ पर कहा गया है कि जो कटोरे थाली होते हैं वो कटोरे और थाली को ऊपर ऊपर से मांगते हैं, ऊपर से मांगते हैं और अंदर से जो है वैसे जो है ऊपर से मांग कर अंदर से छोड़ना, मतलब जो है खाली ढोंगीपना दिखाना और अंदर से असंयम है, असंयम जो है और ऊपर से है ढोंगी अपना पाखंड दिखाना, इस वचन के दौरान भी समझते हैं। आगे का रेफरेंस है 23-27। यहाँ पर जो बड़े पुत्र को जो बड़े पुत्र बड़ा पुत्र जो है शास्त्रियों परिसियों को रिप्रेजेंट करता है, उसकी तुलना जो है इस चुना फिरी हुई कबर जो है जो कबर जो बांधी जाती है उस पर चुना लगा जाता है तो ऊपर से बहुत ही अच्छी सुंदर दिखती है, बेहतरीन दिखती है, लेकिन जो अंदर जो हम देखेंगे तो वहाँ अंदर जो है हड्डियाँ और मलिनता। इस तरह से जो है अपन जो बड़ा पुत्र है फरीसी और शास्त्री को रिप्रेजेंट करता है उसको एक इस प्रकार के कब्र से जो है उसकी तुलना यहाँ पर की गई है। मत्ती 23:13। हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय, तुम मनुष्य के लिए स्वर्ग के राज्य का द्वार बंद करते हो, न तो स्वयं ही उसमें प्रवेश करते हो और न उससे प्रवेश करने वालों को प्रवेश करने देते हो। इसी तरह से बड़ा पुत्र जो है बड़ा पुत्र भी अपने द्वार पर खड़ा रहा, वो अपने पिता के घर में जो है जाने को वहाँ पर तैयार नहीं था। वचन कहता है कि ये फरीसियों और शास्त्रियों को संबोधित कर कहता है कि वे इतने कपटी और पाखंडी है कि वे खुद तो स्वर्ग के प्रवेश नहीं कर सकते और दूसरे को भी यहाँ पर प्रवेश नहीं कर रहे थे। अगला रेफरेंस जो है लूका 18:10 से लेकर 14। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूँ कि स्वर्ग में उनके दूत मेरे स्वर्गीय पिता का मुंह सदा देखते हैं। दो पुरुष मंदिर में प्रार्थना करने के लिए गए, एक फरीसी था और दूसरा चुंगी लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने मन में यह प्रार्थना करने लगा, हे परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि मैं दूसरे मनुष्यों के समान अंधेर करने वाला अन्यायी और व्यभिचारी नहीं और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं सप्ताह में 2 बार उपवास करता हूँ, मैं अपनी सब कमाई का 10वां अंश भी देता हूँ, परंतु चुंगी लेने वाले ने दूर खड़े होकर स्वर्ग की ओर आंखें उठाना भी न चाहा, परन अपनी छाती पीट पीट कर कहा, हे परमेश्वर, मुझ पापी पर दया कर। मैं तुमसे कहता हूँ कि वह दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। यहाँ पर वचन में देखते हैं तो जिस प्रकार से जो फरीसी जो है फरीसी और जो चुंगी लेने वाले दो व्यक्ति जो प्रार्थना करने के लिए आते हैं, तो फरीसी जो है प्रार्थना जो है नकारात्मक रूप से यहाँ पर करने को हमें करते हुए दिखता है। वह प्रार्थना जो है दूसरे को दोष लगाते हुए, इस तरह से बड़ा पुत्र जो है जिसने जो अपने पिता को दोष लगाता है, उस प्रकार से यहाँ पर जो है फरीसी भी अपने दूसरे को दोष लगाते हुए प्रार्थना करते समय यहाँ दिखता है। और यहाँ पर जो चुंगी लेने वाला है
चुंगी लेने वाला जो है वो अपने आप को दीप नम्र करता है, छोटा करता है, और छोटा करके जो है अपनी छाती पीट पीट कर कहा हे परमेश्वर कुछ पापी को तैयार कर, बस इतना ही काफी है। इतनी सारी जो फरीसियों ने दूसरे पर दोष लगाकर प्रार्थना की, वो जो प्रार्थना जो है परमेश्वर एक्सेप्ट नहीं करता है। और चुंगी लेने वाला जो है, चुंगी लेने वाले ने सिर्फ इतना ही कहा कि मैं इस लायक नहीं, वो खुद को इस लायक नहीं समझता कि अपनी आंखें उठाकर स्वर्ग की तरफ देखे, और अपने आप को जो दीन नम्र करके परमेश्वर से जो है अपनी छाती पीट पीट कर कहता है कि मैं पापी हूँ मुझ पर दया कर। यहाँ पर जो हम देखते हैं कि हमें भी परमेश्वर के सामने जो है इस फरीसियों के समान जो है दूसरों पे दोष लगाते हुए प्रार्थना नहीं करनी चाहिए। जो चुंगी लेने वाला जो पापी आदमी जिस तरह से अपने मन को गिराता है, अपने को दीन नम्र करते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करता है अपने गुनाह को एक्सेप्ट करके, इस चुंगी लेने वाले की जो प्रार्थना है परमेश्वर सुनता है। सारांश रूप में हम देखते हैं कि जो दृष्टांत है, दृष्टांत जब समझने के बाद दृष्टांत हमें जो है आत्मपरीक्षण करने के लिए जो है हमें मजबूर करता है। दृष्टांत समझने के बाद हम ऐसे कई लोग देखते हैं कि जिनमें जो है कि फरीसी और शास्त्री जैसा जो एटीट्यूड होता है, जो कि उनको सब बोलते हैं कि मैं दो पीढ़ियों से ख्रिस्ती हूँ, चार पीढ़ियों से ख्रिस्ती हूँ, मैं 50 बार बाइबल पढ़ा, और 3 पीढ़ियों से हम यहाँ पर चर्च में आते हैं, स्तुति आराधना करते हैं, उपवास प्रार्थना करते हैं, और ये जो बातें हैं ठीक है, अच्छी बात है। ये सारी बातें जो करते समय ये लोग इस प्रकार के लोग जो है इनमें फरीसियों और शास्त्रियों का जो एटीट्यूड होता है, ये परमेश्वर की सानिध्य में रहते हैं, हमेशा परमेश्वर की सेवा करते हैं, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानते हैं, लेकिन लास्टली जो है वो परमेश्वर के असीम प्रेम को जो है, परमेश्वर का तो जो सही स्वभाव है उसका आगापे जो प्रेम है उसकी व्यवस्था को जो है अच्छी तरह से वो समझ नहीं सकते। और शास्त्रियों और फरीसियों की तरह जो लोग है घमंड से भरे हुए रहते हैं। हमें अपना आत्मपरीक्षण करना है कि हमें जो है एक बुरा पुत्र के नाई अपना मन फिरा के जो है परमेश्वर के समीप जाके पश्चाताप करके पुनः स्वर्ग के राज में प्रवेश करना है, या शास्त्रीय और फरीसी लोगों की तरह जो है पाखंडी और ढोंगी और कपटी स्वभाव के थे उनकी तरह बनना है, या चुंगी लेने वाले की तरह अपने पापों का अंगीकार करके स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना है। थैंक यू। छोटी सी दुआ करेंगे। सब शक्ति मानव सर्वपिता धन्यवाद करते प्यारे पुता भाव सुंदर से सहभागिता के लिए तो आपने हमें दृष्टांत दिया है प्यारे पुता, उसको समझने के लिए उसकी गहराई को समझने के लिए आपने हमें सहायता मदद की, इसके लिए मैं आपसे आपका दिल से धन्यवाद करता हूँ प्यारे पुता। हमें का समय आपके पवित्र और सामर्थ्य हाथों में देते हैं, विनती प्रार्थना हमारे जीवित पुता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। कमेटी और ये सब सर उन्होंने मुझे संदेश देने का मौका दिया, इसलिए मैं हृदय से धन्यवाद करता हूँ, और आप सबों का भी कलीसिया का धन्यवाद करता हूँ कि बड़े धीरे के साथ जो है आपने मेरा संदेश दिया। थैंक यू।